नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की पोस्ट मार्केट एनालाइजिंग वीडियो में। मैं शैलेश कुमार सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग मॉर्निंग में ट्रेड प्लान कर लेते हैं, तो हमने मॉर्निंग में ट्रेड प्लान किया था कि आज हम स्कैल्पिंग करके चलेंगे। स्कैल्पिंग क्यों करना है, उसका कारण ये था कि जो हमारे आज के सेंटिमेंट्स थे वो मिक्स थे। मीन्स जो हमारे इंडियन सेंटिमेंट्स थे वो पॉजिटिव थे और जो ग्लोबल सेंटिमेंट्स थे वो निगेटिव थे। तो जब भी हमने डिसाइड किया है कि जब भी मार्केट में सेंटिमेंट्स मिक्स होंगे या कन्फ्यूजिंग वाले होंगे या कोई भी इवेंट वाला दिन होगा, तो उस दिन हम स्कैल्पिंग करके चलते हैं। स्कैल्पिंग में हम लोग दोनों साइड, जिस साइड हमें एंट्री मिलती है पहले, उस साइड हम एंट्री लेते हैं, चाहे वो अपसाइड हो चाहे डाउनसाइड हो, हम ट्रिगर पर एंटर करते हैं। ठीक है, तो इस हमने आज स्कैल्पिंग की। और चलिए दोस्तों चलते हैं, देखते हैं हमें कहाँ पर ट्रिगर मिला। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें एक ट्रिगर मिला 10:24 पर। सेरेक्स ट्रेडर एक बार जाके चार्ट में वैलिडेट कीजिएगा, टाइमिंग मैच कीजिएगा। 10:24 की जो कैंडल बनी थी उसमें हमें एक अपसाइड ट्रिगर मिला और वो ट्रिगर बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर तरीके से रन किया और 225 पॉइंट्स का यहाँ पे हमें एक अच्छा मूवमेंट कैप्चर करने को मिला। और जो हमारा टारगेट बनता है, इनिशियली टारगेट, वो हमारा लगभग 1127 के आसपास हिट हो चुका था। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, रिमेनिंग क्वांटिटी हम TSL के साथ में और भी ज़्यादा बड़े लेवल के लिए रखते हैं। तो हमने यहाँ तक इसको कैप्चर किया और जब मार्केट ने डाउन आना शुरू किया तो लगभग 12:56 की इस कैंडल पे हमने वहाँ पर पोजीशन को एग्जिट कर दिया। ठीक है, तो दोस्तों हमें स्कैल्पिंग के अंतर्गत सबसे पहला ट्रिगर अपसाइड मिला और उसी ट्रिगर में हमारा टारगेट हिट हो गया। ठीक है, अब बहुत सारे लोगों को आज का एक क्वेश्चन होगा कि एक हमें ट्रिगर 12:54 पर एक डाउनसाइड भी मिला था। ठीक है, सेरेक्स ट्रेडर ध्यान से समझिएगा, 12:54 पर हमें एक डाउनसाइड ट्रिगर भी मिला। अब बहुत सारे जो न्यू ट्रेडर्स हैं जिनको स्ट्रेटजी प्रॉपरली अभी समझ में नहीं आई है, उनका क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पर तो टारगेट हिट नहीं हुआ, यहाँ पर ऐसे हिट हो गया क्योंकि मार्केट थोड़ा सा नीचे जाने के बाद में फिर ऊपर चली गई। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था, स्कैल्पिंग में हम क्या करते हैं, स्कैल्पिंग में हम कोशिश करते हैं जिस साइड में मार्केट मूव कर रही है उसी साइड में ट्रेड लेने की। अब हमें अगर पॉजिटिव साइड ट्रिगर मिल रहा है तो हम पॉजिटिव साइड एंटर करेंगे, नेगेटिव साइड अगर हमें कोई ट्रिगर मिल रहा है चार्ट पर तो हम नेगेटिव साइड एंटर करेंगे। तो दोस्तों हुआ क्या, हमें जो 10:24 पर एक अपसाइड ट्रिगर मिला और हमारी वो ट्रेड चली, हमारा जो इनिशियल टारगेट था वो भी हिट हुआ, टारगेट से ज़्यादा हमें जो सेकंड टारगेट हम डीपर लेवल तक होल्ड करके रखते हैं हमारा वो भी हुआ, इसके बाद हमारा TSL हिट हो गया। तो जब हमारी एक ट्रेड अपसाइड चल गई, एक ट्रिगर हमारा अपसाइड चल गया, तो हमें दूसरा ट्रिगर में एंटर करना ही नहीं है, हमें दूसरी ट्रेड लेनी नहीं है। भाई जो हमने डिसाइड किया था, जो जैसा हमने सोचा था, मार्केट ने वैसा मूवमेंट दिया ना, हमें प्रॉफिट हुआ ना, टारगेट हमारा अचीव हुआ ना, तो बस अब हमारी यहाँ पर टारगेट अचीव होने के बाद TSL हिट हो जाता है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो उसके बाद फर्दर ट्रेडिंग हमें नहीं करनी है। ठीक है, हमें फिर ऐसा थोड़ी ना कि अभी अपसाइड में भी हमने एंट्री कर ली और हमारा टारगेट हिट हो गया और डाउन साइड में एंट्री कर ली तो भी हमारा टारगेट हिट हो जाए। हो सकता है कभी कभी ऐसा हो जाए, बट हमने क्या प्लान किया है कि हम जो भी ट्रेड लेंगे उसमें टारगेट आने के बाद हम उसको एग्जिट कर देंगे, उसके बाद हम फर्दर ट्रेडिंग नहीं करेंगे जब तक हम पूरी तरीके से श्योर शॉट नहीं होते हैं। तो मान लीजिए जो हमें अपसाइड ट्रिगर मिला था 10:24 पर, अगर वो ट्रिगर नहीं चलता, अगर उसमें स्टॉप लॉस हिट हो जाता, ठीक है, तो जो अगला हमें डाउनसाइड ट्रिगर मिलता हम उसमें 100% एंटर करते। क्यों? क्योंकि स्कैल्पिंग में हम क्या करते हैं, हम बोथ साइड एंट्री करते हैं, बोथ साइड एंट्री ढूंढते हैं। चूंकि हमारा जो ट्रेड था वो पहली बार में नहीं चला, सक्सेसफुल नहीं हुआ, उसमें स्टॉप लॉस हिट हो गया, तब तो हम डाउनसाइड ट्रिगर जो अगला आएगा उसमें एंटर करेंगे। बट जब हमारा ट्रिगर चल चुका है, हमारा टारगेट आ चुका है, हमें प्रॉफिट हो चुका है, तो हम अगले ट्रिगर में एंटर क्यों करेंगे? ठीक है, तो अगर स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो हम अगले ट्रिगर में एंटर करेंगे, और अगर हमारा टारगेट हिट हो गया तो हम अपना प्रॉफिट का एंजॉय करेंगे और फर्दर ट्रेडिंग नहीं करेंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट पोस्ट मार्केट एनालाइजिंग वीडियो में। थैंक यू सो मच।